दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपका प्यार आपसे बातें करना शुरू कर देगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर चाहिए। आपका प्यार आपसे मिले बगैर, आपसे बातें किए बगैर आपके बिना नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर लेना है और 2 लौंग लेना है। इसके बाद इन लौंग को सिंदूर में मिला लें। फिर दोस्तों, आप एक दीपक जला लें। इसके बाद आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर उठाना है और अपनी प्रेमिका का 7 बार नाम लेकर फूंक मारें। अपना नाम 7 बार लेकर फूंक मारें और आपको बोलते रहना है, जय हो कामाख्या देवी, जय हो कामाख्या देवी। और फिर सिंदूर को, जो दीपक जल रहा है, जो लौ होता है दीपक का, उस पर इसको रख देना है। फिर दोस्तों, इसी प्रकार से आपको 108 बार करना है। उसके बाद जो सिंदूर है, लौंग है, उसे काले कपड़े में लपेट करके उस कपड़े पर अपनी प्रेमिका का नाम लिख दें। इसके बाद दोस्तों, उस कपड़े को अपने तकिए के नीचे रख लेना है। 3 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखना है। 3 दिन बाद इस कपड़े को उस औरत या लड़की के घर के पास फेंक देना है, जिसे अपने बस में करना चाहते हैं। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है। इतना करते उपाय हो जाएगा। दोस्तों, अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए इस उपाय को सही नियत एवं सच्ची श्रद्धा से एक बार अवश्य करें, जिससे आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।